इसको नकदरिये आलम का सिला कहते हैं, इसको नकदरिये आलम का सिला कहते हैं, मर चुके हम तो जमाने ने बहुत याद किया। जी मेरे व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूरा पाकिस्तान शोक में है, क्योंकि आज मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कादिर खान इस फानी दुनिया से कूच कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि उनके साले सवाब के लिए एक दफा फातह खानी की जाए। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की पैदाइश 1 अप्रैल 1936 में भारतीय शहर भोपाल में हुई और उन्होंने इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के अहले खाना 1947 में आज़ादी के बाद हिजरत करके मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हो गए। उन्होंने 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री हासिल की और पीट आला तालीम के हसूल के लिए जर्मनी के शहर बर्लिन चले गए। बर्लिन में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, हॉलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ टेलफिट से मास्टर्स ऑफ साइंस और फिर बेल्जियम के यूनिवर्सिटी ऑफ लिवोन से डॉक्टरेट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की असनाद हासिल की। इसके अलावा उन्होंने एम्स्टरडेम में फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉरटरी ज्वाइन की। बाद में वो 1976 में वापस पाकिस्तान आ गए, जहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉरटरीज में शमूलियत इख्तियार की, जिसका नाम 1 मई 1981 को जनरल ज़ियाउल हक ने तब्दील करके डॉक्टर ए क्यू खान रिसर्च लेबॉरटरीज रख दिया था। भारत के एटमी धमाके के जवाब में मई 1998 में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजुर्बा किया, जिसकी निगरानी डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने ही की थी, और यूँ 28 मई को इस बात की तस्दीक हुई के पाकिस्तान अब एटमी पावर बन गया है। ए क्यू खान ने कई मरतबा इस बात का तज़किरा किया कि हमारे मुल्क में एटमी प्रोग्राम साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, जिसे बाद में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने आगे बढ़ाया। डॉक्टर ए क्यू खान के इंस्टीट्यूट ने इनकी सरबराही में न सिर्फ एटम बम बनाया, बल्कि पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले गौरी मिज़ाइल समेत छोटी और दरमियानी रेंज तक मार करने वाले मुतद्दद मिज़ाइल तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को 13 तलाई तमगों से नवाजा गया। मोहसिन पाकिस्तान ने हॉलैंड में रिहाइश के दौरान हनी नामी खातून से शादी की थी, जिनसे इनकी 2 बेटियां पैदा हुईं जो अब शादीशुदा हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को 13 तलाई तमगों से नवाजा गया, जबकि आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा अब्दुल कादिर खान ने 150 से ज़ायद साइंसी तहकीकाती मजामीन भी तहरीर किए। 1996 में जामिया कराची ने डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाजी सनद अता की, जबकि 14 अगस्त 1996 में सदर फारूक लगारी ने डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज दिया, और फिर 1999 में इन्हें हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया। पाकिस्तान को नाकाबले तस्गीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने सेशिड नामी एक NGO भी बनाई हुई है, जो तलीमी और दीगर फलाही कामों में सरगर्म है। दुआ है अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की कामिल मगफरत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल का इजहार करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।